दोस्तों, SBI कियोस बैंकिंग अगर आपके पास है, अगर आप SBI कियोस बैंकिंग चलाते हैं किसी भी पंचायत का या फिर किसी भी शहर का, तो जब भी आप रुपए ATM कार्ड ट्रांजेक्शन जो होता है, ATM ट्रांजेक्शन, वहाँ पर अगर आपका इनिशियलाइजेशन फेल्ड या फिर डिवाइस इनिशियलाइजेशन फेल्ड अगर लिखता है, तो उसके बाद आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप बहुत ही अच्छा और सिंपल स्टेप अगर अपनाएंगे तो आप सीख सकते हैं। तो इसके लिए ये आप देख रहे थे मैं जो एरर बताया, उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जाते हैं माई कंप्यूटर में और राइट क्लिक करके मैनेज का एक ऑप्शन आएगा, उधर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है, वहाँ पर आपको मिलेगा डिवाइस मैनेजर, मैं उधर सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, इसको मैं जैसे क्लिक किया बहुत सारा ऑप्शन खुल चुका है। अब इधर देखिए दोस्तों, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस, इधर डबल क्लिक कीजिए या फिर लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, और जितने भी SID यानी कि USB को छोड़ के जितने भी ऑप्शन रहेंगे HID, उसको हमको जो है राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल करना होगा। ये कर लिया, उसके बाद और एक ठो है, और USB जितना है दोस्तों उसे छोड़ देना है, क्योंकि आपका माउस है, बहुत सारा ऐसे USB जो कनेक्टेड है उसे छोड़ देना है। उसके बाद और एक चीज़ आपको देख लेना है, अगर आपके पास नीचे अदर डिवाइस में, ठीक है, आप देख सकते हैं अदर डिवाइसेस में अगर आपका नीचे अननोन डिवाइस लिखा आ रहा है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसे भी हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे एक ऑप्शन खुल जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर हम जाएंगे ड्राइवर में, ड्राइवर में जाने के बाद हम उसे अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। अभी देखते हैं हमारा जो है काम पूरा हो चुका है, और हम इजीली किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी भी ATM से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हमें जाना होगा कार्ड बेस्ड सर्विस में, और जाना होगा रुपए ATM कार्ड ट्रांजेक्शन में। वहाँ पर जाने के बाद जो है हमारा ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि हम उसमें कार्ड डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद स्वाइप करके कुछ कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो ATM ट्रांजेक्शन का सारा जो कुल मिलाकर बात है, अगर आपका प्रॉब्लम है पहले से डिवाइस ऑथेंटिकेशन फेल या फिर इनिशियलाइजेशन फेल दिखा रहा है, तो ये आपको ऑप्शन बताना होगा, उसके बाद आप जो भी कार्ड है उसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए कियोस बैंकिंग से रिलेटेड और कस्टमर सर्विस सेंटर और कस्टमर सर्विस पॉइंट जो कि CSP और CSC रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको CSP अगर आपके पास है या फिर CSC है, तो आपको ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको CSC में और CSP में कैसे बहुत सारा पैसा का आप लाभ उठा सकते हैं, और यूँ कहिए कि आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है,